हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ कि हम लॉक स्क्रीन ऑटोमेटिकली वो कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लॉक स्क्रीन ऑटोमेटिकली वो कैसे सेट करेंगे। जैसे कि आज हमारा होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपका जो लॉक स्क्रीन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जो मैंने मान लीजिए हमने 30 सेकेंड का लगा रखा है, उसके बाद आपका जो लॉक स्क्रीन अपने आप बंद हो जाएगा, तो आपका जो मोबाइल स्क्रीन है वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो चलिए इसमें आपको वही बताऊँगा कि हमने कैसे सेट करना है बढ़ा के। तो आपको क्या करना है, पहले मोबाइल सेटिंग में जाना है, तो मोबाइल सेटिंग में चलते हैं और यहाँ हमें रेडमी फ़ोन दिया हुआ है। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको क्या करना है, पहले मोबाइल सेटिंग में जाना है, तो मोबाइल सेटिंग में चलते हैं और यहाँ हमें रेडमी फ़ोन दिया हुआ है। तो आप मोबाइल सेटिंग का आइकन दिया हुआ, जिसको हम कर लेते हैं पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मोबाइल सेटिंग के पेज में आपको काफ़ी सारी आइकन दी गई है, बट आपको क्या करना है, सिंपल से आपको जाना है लॉक स्क्रीन पे। तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे चलते हैं। लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको स्लिप दिया हुआ, स्लिप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये ऊपर लिखा हुआ आता है लॉक स्क्रीन ऑटोमेटिकली, जिसको हमें क्या करना है, सेट करना है। जो कि मैंने 30 सेकंड का लगा रखा था, मेरे को क्या करना, मैं 1 मिनट का लगा लेता हूँ गाइस। यहाँ पे मैं 1 मिनट का लगा लेता हूँ, जो आपका 1 मिनट तक है आपका जो लॉक स्क्रीन अपने आप बंद नहीं होगा, बट 1 मिनट के बाद आपका जो लॉक स्क्रीन है वो बंद हो सकता है। तो यहीं पे मेरी वीडियो समाप्त होती है और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।